राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के 5:30 हो रहा है और आज जो है ना मैं जग जग गया हूँ 4:30 बजे। साढ़े 4 बजे जगने के बाद टॉयलेट गया हूँ, उसके बाद में भैंस निकाला हूँ, कुट्टी दिया हूँ, गोबर वोबर उसको जो है ना जगह उसको सफाई किया हूँ पूरा थर उठ सब, और उसके बाद में भी डायरेक्ट आ गया हूँ इधर घूमने। और अभी 5:30 हो गया है तो अभी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करके और वीडियो तो अपलोड हो गया, एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद में सीधे चले जाएंगे घर पे, और घर पे चल के फिर मिलते हैं। और दोस्तों हमारे घर का समाचार थोड़ा ख़राब है, क्योंकि हमारे मेरी वाइफ का भी तबीयत ख़राब है, बुखार लगा हुआ है, बुखार से पूरे रात बेचैन है। और मेरी माँ को भी जो है ना कल पूरे दिन बुखार लगा रहा है, परसों से ही बुखार है, दवाई खा रहा है लेकिन उतर जा रहा है बुखार, फिर भी लग जा रहा है। तो जो काम करने वाला है, खाना बनाने वाले हैं, वो सबको बुखार ही लगा हुआ है, देखते हैं आज क्या होता है। तो अभी तो मैं आया हूँ इधर घूमने, और गौर वर जो है ना भैंस का वही उठाते हैं वही लोग, लेकिन उन लोग का तबीयत ख़राब है तो आज हमने उठा दिया है। तो अभी इधर से घूम घूम करके चलते हैं घर पे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अभी सुबह हो गया है, देख सकते हैं 6 बजने में मात्र 10 मिनट बाकी है। कितना प्यारा सा लालिया देख सकते हैं, यानी कि सूर्योदय होने वाला है, और सुबह सुबह का व्यू कुछ इस प्रकार का है देख सकते हैं दोस्तों। और अभी फ्रेश हो गया तो अभी चलते हैं, मैं एक्सरसाइज भी कर लिया और घूम भी लिया, और चलते हैं सीधे घर की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों अभी आ गया घर, और अभी कृष्णा को देखिए, कृष्णा को बिस्कुट चाहिए, तो ये बिस्कुट के लिए पैसा मांगा है। पैसा कहाँ दिखाते, देखिए देखते पैसा लिया हुआ है, तो चलता है अब बिस्कुट किनने। ये कृष्णा और ये सरवन ये भी खाएगा, तो चलिए दुकान में से लेके आते हैं बिस्कुट। दोस्तों अभी चलते हैं माल सरियाने, क्योंकि दोस्तों अभी टाइम हो गया लगभग 8 बजने वाला है, और कृष्णा हैरान कर रहा था इसकी वजह से, वो खाली घूम रहा बोल रहा है घुमाने के लिए गोदी पर रख करके, तो इसकी वजह से लेट हो गया ना, तब तो सरिया लिए रहते। चलते दोस्तों सरियाते हैं, और आज जो है ना सबको गिनती भी करना है, क्योंकि आज 1 तारीख है, तो चलते हैं सबको सरिया वरिया लेते हैं, गिनती भी कर लेते हैं। फाइनली दोस्तों हमने सारे को सरिया लिया, इधर भी देख सकते हैं, और ये झोला बेटा भी हो गया, और गमछा भी हो गया, इधर देख सकते हैं गमछा भी हो गया, और गिनती भी करना था दोस्तों, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया है। तो अभी टाइम 9:45 हो रहा है, और इस समय कभी बाहर का दिखाते हैं किस प्रकार का है, देख सकते हैं धूप का रकार है। और अभी हिसाब साब किए हैं, तब चलते हैं 9:45 अभी हो रहा है, चलते हैं स्नान करते हैं, खाएंगे लगभग 10:30 बजे से निकलेंगे फेरी पे। फाइनली दोस्तों अभी मैं सब कुछ तैयार हो गया, हिसाब उसाब करते करते जो है ना जो सबको गिनती उनती करते करते लेट ज़्यादा हो गया, टाइम अभी हो गया दोस्तों 10:30 हो गया है, देख सकते हैं कितना धूप हो गया, कराकर माल लोड कर लिए हैं, और अभी चलते हैं दोस्तों। आज लेट तो हो गया, 10:45 लगभग हो गया घर पे, तो चलिए निकलते हैं अभी। तो दोस्तों अभी 11:15 हो गया है, और अभी बोनी उनी तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी देखते हैं फर्स्ट बोनी कब तक होता है। 10:45 बजे से निकलवे किए हैं, अभी आधा घंटा निकला हुआ हुआ, 11:15 हो गया है, तो चलिए दोस्तों फर्स्ट बोनी होने के बाद जो है ना मिलते हैं, देखते हैं कई बजे तक पहला बोनी होता है। अभी 11:15 हो गया है, और पिछला वाला गांव में लगभग एक जगह आधा घंटा से ज़्यादा समय लग गया है, आधा घंटा मानिए आधा घंटा लग गया, और वहाँ पे बहुत सारे कपड़ा निकलवा के और लिया एक भी नहीं है। चलिए देखते हैं फिलहाल अगला गांव घूमते हैं। दोस्तों अभी तक भी बोनी नहीं हुआ, 12:30 से ज़्यादा हो गया है, 10:45 हो गया लगभग, और दोस्तों उधारी था, उधारी भी मांगे वो भी नहीं मिला है, वहाँ पे लगभग एक घंटा आधा घंटा से थोड़ा ज़्यादा समय लगे, 1.25 घंटा ले, और उधारी मिला भी नहीं है। और वहाँ पे जो है ना 92 लिया हुआ था एक ही कलर का, कलर चेंज करके 90 भी बदल लिया है, और प्लाजो सेट भी एक ले गया था, तो जितना खरीदी है उतना ही रेट लगा रहा था, वो भी नहीं बिकाया है, यानी कहा जाए तो अभी बोनी भी नहीं हुआ है, कपड़ा ख़राब ही चल रहा है। अभी चलते हैं फिलहाल घूमते हैं। दोस्तों क्या हो रहा है मेरे साथ, आज पहला बोनी ख़राब होने के कारण घूम रहे हैं, लेकिन बिक नहीं रहा है, निकलवा निकलवा के सब लेता नहीं है, क्या हो गया, बोनी ख़राब हो गया दोस्तों, क्या घूमने का मन नहीं कर रहा है। अभी 1:30 बज गया है और बोनी अभी तक नहीं हुआ है।
चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अभी 2:15 और अभी जो है ना अभी बोहनी हुआ है, खाली वो गमछा भी है, ऐसे तो रुकवाया है 2-3 आदमी, लेकिन सब देख दाख के आधा घंटा वेस्ट करके और मात्र एगो गमछा खाली बिक्री हुआ है। तो अभी 2:15 हो रहा है इस समय और बिक्री नहीं हो रहा है, ऐसे घूमने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें। चलिए रुकते हैं थोड़ा सा फिर चलेंगे, क्योंकि मन नहीं कर रहा है, आधा घंटा वहाँ पर रुके हैं और आधा घंटा और रुकते हैं, थोड़ा सा और रुकते हैं यहाँ पे, उसके बाद में चलेंगे। घूमने का थोड़ा भी मन नहीं कर रहा है, नहीं बिक्री हो रहा है इसकी वजह से। दोस्तों अभी टाइम हो गया है लगभग 6:45 और बेर अभी डूब चुका है, देखते हैं 6 बजने में मात्र 10 मिनट बाकी है। और आज का फेरी देख करके जो है ना काम छोड़ने का मन कर रहा है, क्योंकि दोस्तों आज जो है ना क्या हुआ है, पूरे दिन जो है ना कितना ग्राहक आया, कितना ग्राहक गया, कितना खुलवा करके छोड़ दिया, लेकिन लिया कोई भी नहीं, सिर्फ एक गमछा बिका है, बस 50 रुपये का सेल हुआ है बस। हारदार का जो है ना लगभग 2:30 से जो है ना बैठ गया हूँ, लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा बैठा हूँ 5 बजे तक, उसके बाद में मन ही नहीं कर रहा था घूमने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर घूम भी लिया था और सब ले के देख देख के छोड़ छोड़ दे रहा था निकलवा करके, इसके वजह से दिमाग ख़राब हो गया, मूड पूरी तरह से ख़राब हो गया था, मत्था दर्द कर रहा था, इसके वजह से बैठ गया हूँ। और फरवरी मंथ में 14,000 का इनकम हुआ था, मैंने सोचा कि 14,000 प्लस इनकम करूँगा मार्च में, लेकिन आज पहला दिन ही ऐसा हो गया, चलिए देखते क्या होता है, लेकिन 14,000 प्लस का इनकम जरूर करेंगे इस मार्च महीने में जैसे हो। तो चलिए दोस्तों आज का सेलिंग हुआ है, मात्र 50 रुपये का सेल हुआ है, और खर्च की बात करें तो दोस्तों 160 का पेट्रोल डाला हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमा तो पेट्रोल सारा ख़त्म हो चुका था, तो 160 का पेट्रोल डाला हूँ, 20 का सब्जी और 25 का नाश्ता, यानी कि 200 प्लस का। चलिए दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा तो होता ही रहता है, कभी खुशी कभी गम, ज़िंदगी में लाइफ में तो होता ही रहता है या फेरी में, तो इससे घबराएंगे नहीं और 1400 प्लस सेलिंग करेंगे ही करेंगे मार्च महीने में जैसे हो। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कैसा लगा वीडियो, पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं दोस्तों कल सुबह एक और नई वीडियो में नए हौसला, नए उमंग और नए जोश के साथ, क्योंकि आज जो है ना पूरा 100% दिया भी नहीं होगा, अगर कितना 2:30 बजे तक फेरी नहीं हुआ था, सेल नहीं हुआ था, तो अगर मैं 2:30 बजे से 5 बजे तक भी अगर फेरी करता तो अच्छा सेल होता, सेल हो सकता था, लेकिन मैंने बैठ गया हूँ हिम्मत हार करके। तो चलिए कल सुबह नए हिम्मत और नए उमंग के साथ फिर फील्ड में उतरेंगे और मुझे विश्वास है कि सेलिंग होगा ही होगा। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू वीडियो में, ओके, बाय बाय, गुड इवनिंग।